हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कमल पवार। आज मैं अपने गांव की बहुत प्रसिद्ध मंदिर कोठीनाथ भैरव मंदिर में जा रखा हूं। तो ये मंदिर बहुत फलदायी है, अपने भक्तों पे बहुत ज़्यादा कृपा करती है। तो इस मंदिर के बारे में आप लोगों को रूबरू कराएंगे, इस मंदिर के चमत्कार के बारे में रूबरू कराएंगे। कब से ये मंदिर यहाँ पे बना, कब इसकी स्थापना हुई और कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई, उससे पहले मैं आपको अपने खूबसूरत क्षेत्र, जो खूबसूरत वैली है नंदाग वैली, उसके बारे में रूबरू कराता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा खूबसूरत नंदाग वैली है। सामने उधर दूर जो गांव दिख रहा है वो रामनी गांव है, बहुत सुंदर रामनी गांव, जिसका नाम है रमणीक, यानी बहुत सुंदर गांव है रमणीक गांव। आगे इधर जो उधर धूप नहीं पहुँची है, बिल्कुल अंधेरा, गुलाड़ी वादू के नीचे जो नीचे घाटी में दिख रहा वो आला गांव है। और इधर से ही जो नंदा राजात, उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध नंदा राजात, जो विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा राजात इधर ही होती है, वो खूबसूरत है बादलों के बीच में जो पर्वत श्रृंखलाएं बर्फ की चादर से ढकी है। तो यहाँ पे नंदा राजात होती है, इधर ही शिला समुद्र और हेम रूपकुंड सब इधर ही है। वो जात का जो रास्ता है वो हमारे क्षेत्र यानी इसी वैली से होते हुए जाता है। ये खूबसूरत क्षेत्र है, ये वैली है चमोली डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक घाट में, विकासखंड घाट में, और इस वैली का नाम नंदाक है। और जो ये भैरव बाबा का मंदिर है यहाँ पे, ये मंदिर भूरा गांव में है, समुद्र तल से 3150 मीटर की ऊंचाई और फीट में कहे तो 10,300 फीट की ऊंचाई पे ये मंदिर है। आज यहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना है और देखिए आसमान में चारों ओर बादल लगे हैं, फिर भी लोगों के अंदर जो भैरव बाबा के प्रति श्रद्धा भक्ति है वो उनको भैरव मंदिर में खींचे ले आती है। तो आप आगे भैरव मंदिर की ओर चलते हैं, वहाँ पे हम आपको लोगों से रूबरू कराएंगे और उनके जीवन में इस मंदिर में क्या अहमियत है और क्या चमत्कार किए ये लोगों से जानते हैं। तो मैं मंदिर के मेन गेट पे हूँ, ये घंटी है यहाँ पे, और आगे ऊपर यहाँ पे लोग हैं लगे पूरी प्रसाद बनाने में, ऊपर उन लोगों के पास चलते हैं। तो ये भैरव बाबा के भक्त हैं, यहाँ पे पूड़ियाँ और क्या क्या बना रहे हैं ये भैरव बाबा के लिए, जो भोग चढ़ाने के लिए आप लोग क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पे? पूड़ियाँ बंडी, रूंड बंडी, खीर बंडी। अच्छा, ये जो मोटे मोटे हैं इनको रूंड गढ़ वाले में क्या बोलते हैं? रूंड रूंड बोलते हैं। और ये पूड़ियाँ बंडी, ये पूड़ियाँ है। अच्छा, ये लाउंड या रूंड जो भी है, ठीक है, ये हमारी गढ़वाली भाषा में बोली जाती है लाउंड रूंड। तो ये हमारे गांव के भैरव बाबा के भक्त हैं जो अपनी श्रद्धा भक्ति से इस मंदिर में यानी साल में 3-4 बार आप लोग आते होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये भांजा जी, आप बताइए क्या है इस मंदिर का महत्व आपके जीवन में? जीवन में महत्व तो क्या है यहाँ पे, आप कुछ मांगेंगे यहाँ पे तो इच्छा पूरी हो जाती है, मनोकामना पूरी होती है मंदिर में। थोड़ा काफ़ी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, ऐसे कोई मंदिर ठीक है। तो यहाँ पे ये अर्जुन जी हैं, उन्होंने कहा जो मांगते हैं वो इच्छा हमारी पूर्ण हो जाती है, यानी ये मंदिर हमें सद्बुद्धि सद्मार्ग ये सब देता है और हमारे जीवन में यानी चमत्कार करता है। सामने हैं दिलवर जी, इस मंदिर का आपके जीवन में क्या महत्व है? जरा आप लाउडी बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, तो आप ये पूड़ियाँ, ये गढ़वाली पूड़ियाँ कहते हैं हम, वैसे पूड़ी छोटी होती है, इसको हम लावण बोलते हैं, इसको गढ़वाली भाषा में लावण, ये हमारे लावण है। मैं आपको आगे हमारे गांव की जो भैरव बाबा की महिला भक्त हैं उनके पास भी ले चलते हैं। तो मौसी जी, आज जैसे कि आप यहाँ पे भैरव मंदिर के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही हैं, मौसी जी कैसा लग रहा है आपको मंदिर में, आपकी क्या मनोकामनाएं पूर्ण हुई जो कि आपने कुछ बोलो? तो मौसी जी बिल्कुल बोलने के मूड में नहीं है, कुछ तो बोलो। हाँ जी, जो भी है आप जो भी बोलते हैं। हाँ मौसी जी बताइए, आपके इस मंदिर में
क्या महत्व है आपके जीवन में इस मंदिर का? भैरव बाबा में कितना श्रद्धा भक्ति रखते हैं आप? अच्छा, तो ये माता जी कह रही कि भैरव बाबा ने हमें शक्ति दी, इसलिए यहाँ पे पूजा अर्चना कर। अच्छा, मौसी जी कह रही पूजा अर्चना करने। अच्छा, और यहाँ पे ये हमारे विजय गोला जो चंडीगढ़ से आ रखे हैं बहुत दूर से। ये नमस्कार, तो कैसे हो, कब आए आप चंडीगढ़ से? मैं तो कल रात आया नाटक से। कल रात आए और सीधा भैरव बाबा के दर्शन करने? नसीब वालों को मिलता है भगवान के दरबार में अच्छा देखने के लिए। अच्छा, तो भैरव बाबा पे कितना विश्वास करते हैं? क्या मानने में विश्वास है, ना मानने में विश्वास? कितना फलदायी है मंदिर यहाँ पे, कितना फलदायी मंदिर है ये? यार नसीब वालों को मिलता है, जो जैसे मांगे भगवान ऐसे पूरा करेगा। यानी ये भैरव बाबा हमारे सतगुरु जी को बाहर वाले इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसके हिसाब से बाहर वालों को तो कोई पता नहीं है सारे। इस मंदिर के बारे में बाहरी लोग नहीं जानते, पर आप YouTube के माध्यम से कुछ कहेंगे कि इस मंदिर को ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो तो श्रद्धा भक्ति रखें और यहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आए। ओके ओके, तो यहाँ पे कुछ नवयुवक हैं भैरव बाबा के भक्त हैं जो ये आसपास के गांव से आ रखे हैं। ये आप लोग कहाँ से हैं? गुलाड़ी और आला पेरी सब जगह से आ रखे हैं। तो जो ये हमारा भैरव मंदिर है, इसके हिस्ट्री के बारे में आप कुछ बताओगे? कब यहाँ पे इसकी स्थापना हुई? यहाँ पे इसकी हिस्ट्री के बारे में कोई बता? अच्छा, आज से 100 साल पहले। तो ये मंदिर कितना चमत्कारी है, क्या आपकी जो यहाँ पे कुछ मनोकामनाएं की थी उसे पूर्ण हुई? और जो कुछ मनोकामनाएं मांगी थी भैरव बाबा से, भैरव बाबा ने पूर्ण किया? तो मित्रों, जो भी ये वीडियो देखेगा तो देखिए, ये सामने भैरव मंदिर है, बहुत ही फलदायी मंदिर है। यानी भक्त अपने भक्तों पे सदैव कृपा रखती है ये भैरव मंदिर, ये भैरव बाबा। तो आगे मैं यहाँ पे कुछ महिला भक्त हैं और ऊपर हमारे पुजारी जी हैं और मंदिर भी दिखाऊंगा। मंदिर में इतने सारे त्रिशूल घंटियाँ हैं, ये सब उनके बारे में भी बताऊंगा और इस मंदिर के चमत्कार के बारे में भी। तो यहाँ पे जो मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं श्री कुंवर सिंह जी और आप रणजीत सिंह जी, आप यहाँ पे भैरव देव के लिए पूजा अर्चना है, पूजा करने आ रखे हैं और आप यहाँ के मंदिर के मुख्य पुजारी। तो आप सबसे पहले मुझे इस भैरव बाबा के बारे में कुछ बताइए, कब यहाँ इसकी स्थापना हुई और कैसे लोग यहाँ पे श्रद्धा भक्ति के लोगों के प्रति, ये भैरव के प्रति लोगों का श्रद्धा भक्ति बड़ी, इस मंदिर के बारे में कुछ? जी ठीक है, ऐसा हुआ, ये बहुत पहले की बात है, आज की बात तो है नहीं, ये पीढ़ी पुस्तान से जो है चल के आ रहा पहले से। तो इसमें पुजारी हमारे खानदान से चल के आ रहे। अच्छा, पुराने तो गए। हाँ हाँ, नया शुरू, ये तो होते, ये तो लीला है संसार की। हाँ हाँ, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा करके जब ये प्रकट हर प्रकट हुआ। हाँ, तो हर कहीं भी, तो उसके बाद में लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई। तो इससे जो है कि लोग कोई भी हो, ये भी एक धाम है, धाम के तरफ से ये भी एक छोटा धाम है। तो वहाँ लोग बाग जो भी है, दो दो बकरी भी लेके आते हैं, सारा चीज अपना जो भी है आली पाती दुगनी सेवा यहाँ आते हैं। आता उनका मन पूर्ण, जो भी होना अपना मनोकामना उनका पूर्ण हुआ, इसलिए ज्यादा बात क्या बोलते हैं, सबको पता है, दुनिया को पता है इसका। अच्छा, तो कैसे ये कि यहाँ पे हमारे भैरव बाबा रहते हैं, लोगों को कैसे पता चला कि भैरव देव? दोष लगे लोगों पे या कुछ चमत्कार किया किसी की जीवन में? चमत्कार आपके इच्छार ने धारण किया, ये प्रभु कोशीनाथ, अगर मेरा ये काम पूरा होगा, और तब कोई भी काम है छोटा से लेके बड़ा तक, अच्छा पुत्र से लेके, तो ये जो है कि फलापति हुआ, तो लोगों ने वैसे करके एक में बोला, वो दूसरे में बोला, वैसे करके जब सा हर कहीं भी चले गए। अच्छा, तो अच्छा, तो आपने कहा कि लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा चमत्कार हुआ, परिवर्तन आने लगे इस भैरव बाबा की कृपा से, तो बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। तो मैं आपको मंदिर की जो चमत्कार सामने देखो, इतने सारे त्रिशूल हैं यहाँ पे, ये देखिए सारे ये त्रिशूल हैं, तो ये किसी न किसी
भक्त नहीं, यहाँ पे भैरव बाबा के भक्तों ने चढ़ा रखा है। यहाँ पे ये हम गिन नहीं सकते हैं, इतनी सारे त्रिशूल और ये इतनी सारी घंटियाँ हैं, ये बड़े बड़े घंटियाँ और ये त्रिशूल, क्योंकि यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं सच में पूर्ण होती है, इसीलिए ये मंदिर इतना फलदायी, इसीलिए लोग यहाँ पे ये त्रिशूल चढ़ाते हैं। और इन पे भगवान की कृपा देखिए कि ये त्रिशूल सालों से यहाँ पे चढ़ा रखे हैं, इन पे जंक नहीं लगता है। आप देख सकते हैं किसी भी त्रिशूल को बारीकी से, इन पे जंक नहीं लगता है, ज्यों का त्यों बना है, भैरव बाबा की कृपा है। और सामने ये अब यहाँ पे भैरव बाबा के लिए भोग लगेगा, ये भैरव बाबा के धूप के लिए, और ये बना है यहाँ पे ये बड़े बड़े त्रिशूल और ये सारी घंटियाँ हमारे जो भैरव बाबा के भक्त हैं उन्होंने यहाँ पे भैरव बाबा के लिए चढ़ा रखा है। तो हर साल यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, खूब पूजा अर्चना करने आते हैं। ये सारी घंटियाँ, ये त्रिशूल सब भक्तों ने चढ़ा रखा है, ये भैरव बाबा का मंदिर है। हमारे जो पुजारी जी हैं, इस मंदिर के मुख्य पुजारी श्री कुंवर सिंह बिष्ट जी, उन्होंने जब से इस मंदिर पे पूजा अर्चना शुरू करने की तो इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ पे पत्थर की शिलाओं से ये मंदिर, सुंदर सा मंदिर बनाया गया है, क्योंकि ये मंदिर है और इसको मॉडर्न बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भैरव बाबा और मंदिरों पे कहते कि वहाँ पे और मंदिर में रहना पसंद नहीं करते हैं, और सिर्फ उनकी भी वो धारणा थी। जो कुंवर सिंह जी थे कह रहे हैं कि वो कह रहे कि भाई मैंने अमर तो रहना नहीं है, इसलिए मैंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। जो यहाँ पे श्रद्धालु लोग रुपया पैसा चढ़ाते हैं या और अन्य सामग्री, तो वो यही ये भैरवनाथ के कोष में जमा होता है। तो आई होप मित्रों आपको हमारी ये भैरव बाबा की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। वेरी थैंक्स, ऐसी मज़ेदार वीडियो और लाते रहेंगे भैरव बाबा की कृपा से, हम आप लोगों के लिए और भी सुंदर सुंदर वीडियो लाते रहेंगे। वेरी वेरी धन्यवाद।